शुक्रगुजार करना चाहते हैं क्योंकि यू नो फैंस का प्यार था, ऑफ कोर्स वो जीतना भी वही डिसाइड करने वाले, बट फैंस को क्या बोलना चाहते हैं सबसे पहले तो जिन्होंने इतना प्यार दिया? कैमरा जोर से बोलिए। सबको दिल से बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, पूरे सीज़न हमें इतना प्यार दिया, और हाँ आज हम इतने आ गए तो सिर्फ अपनी मेहनत के वजह से नहीं है, वो आप लोगों के कारण भी है। मतलब हमारा अगर 50% मेहनत है तो 50% पूरा पूरा आपका हाथ है हमें इतने आगे बढ़ाने में, और हम चाहते हैं कि आप हमें शो में ही ऐसा प्यार ना करें, शो के बाद भी हमें ऐसे ही प्यार करें पूरे लाइफ टाइम तक। और हम पाँचों की तरफ से सबको शुक्रिया इतना हमें प्यार देने के लिए और हमारे लिए इतना टाइम निकालने के लिए, क्योंकि आपका हर एक सेकेंड हमारे लिए बहुत कीमती है जो आप हमें देते हैं और हमारा शो देखते हैं, तो थैंक यू सो मच। अच्छा जब टॉप 5 आप पता चला आप पांचों का है, किसके आंखों में जेन्युइनली आंसू आ गए थे? आई एम श्योर सबके आंखों में आंसू आए होंगे, बट टॉप फाइव में तो नहीं कहूँगा, बट हाँ उससे पहले का जो एपिसोड था जहाँ पे टॉप 5 डिसाइड हुए थे और जो बाहर हुआ था, तब मैं शायद बहुत रोया था, मैं भी रोई थी और सब रोए थे, काफी रोया था, बहुत देर तक रोया था। क्योंकि एक जना आउट हुआ था जो कि जो हम सब की नजर में बहुत डिजर्विंग था, और वो एक ऐसी स्टेज थी कि हाँ मतलब उसके लिए वो लास्ट एपिसोड था जहाँ पे टॉप 5 निकलने वाले थे, उसके बाद एक ही एपिसोड बचा था, वो था फिनाले। फिनाले था हमारे लिए, जो लोग उस एपिसोड में थे वो सब फाइनलिस्ट, सब फाइनलिस्ट थे, और बहुत मुश्किल कंपटीशन था क्योंकि वो छेवा वो लास्ट बंदा था जो वहां तक पहुंचता बस एक स्टेप से रह गया था, और वो काफी क्लोज है हमारे से और डिजर्विंग भी है, तो मेरा काफी अच्छा दोस्त भी है। तो मैं स्क्रीन में भी नहीं आया था उस टाइम जब वो एलिमिनेट हुआ, तो मैं स्क्रीन में भी नहीं गया, मैं साइड पे जाके कहीं तो रो रहा था और बहुत देर तक रो रहा था। मतलब भैया डिजर्विंग थे अगर है वो। आई थिंक आपके सवाल का अगर जवाब दे तो सबने एपिसोड देखा होगा रेस टू फिनाले वाला, होते तो भी मेरे को बुरा ही लगता। अच्छी बोले तो जो भूगी भैया हैं, अगर उनकी जगह अगर मैं भी निकल जाती तो मेरे को कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि भूगी भैया डिजर्विंग है सच्ची में। आई थिंक रेस टू फिनाले वाला एपिसोड सभी ने देखा होगा। आई थिंक हम सब वो मोमेंट पे जब हमारी जर्नी वीटी प्ले हो रही थी स्क्रीन पे, तो सब थोड़े इमोशनल हो गए थे, तो कहीं ना कहीं ये टॉप 5 में आना बहुत बड़ी डील है हमारे लिए, और जब हम रियलाइज करते हैं कि क्या जर्नी रही है तो थोड़े थोड़े सभी इमोशनल हो जाते हैं। आप दोनों से पूछना चाहते हैं, परफॉर्मेंस की बात करें, जर्नी की बात करें, सबसे टफ फेज कौन सा था जब एक बार के लिए आपको भी सेल्फ डाउट हुआ कि क्या आप आगे जा पाएंगे? मेरे को सेल्फ डाउट तो नहीं हुआ, मेरे को बस ये था कि जब मैं बैटल में आया था तो मैं ज़्यादा हिल गया था उस टाइम पे, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, एक्ट बन रहा था शायद हमारा, मतलब एक्ट में चेंजेस भी थे, एक्ट चेंज हो गया था हमारा, तो एक्ट बन रहा है रात को, तो और एकदम पूरी रात को मैं सोलो की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बैटल बना रहा हूँ, और हर टाइम ये था कि ऐसा नहीं था कि मैं बैटल में आऊँगा गलती से, वो मेरा फिक्स था क्योंकि मेरे मार्क्स स्कोर कम चल रहे थे तो मैं बैटल में आने था, तो वो स्टेज मेरी बहुत ज़्यादा टफ रहा है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा टफ रहा है, क्योंकि मेरे को शो से नहीं निकलना था, मेरे को जर्नी नहीं छोड़नी थी, तो मैंने पूरी जान लगा दी थी, और जब मतलब डिसाइड हुआ कि कौन निकलने वाला है, जब नोरबू निकला तो मैं तब रोया था, नोरबू के लिए नहीं, मैं इसलिए रोया था कि मैं बच गया, मतलब वो एक्चुअली वो इमोशन इसलिए था कि क्योंकि पता था कि बैटल में आएगा, और उसने इतनी मेहनत करी थी, एक हफ्ता ना सोया खाया पिया ढंग से, और एक ऐसा था डर कि कुछ भी हो सकता है, और जब वो उस फेज से बाहर निकला, आई थिंक वो जो रिलीज हुआ इसके इमोशन, आई थिंक वो ये गूज़बम्प्स बता सकते हैं, उस वक्त पूरा बॉडी पेन निकला, बॉडी का आंसू के थ्रू, उस वक्त इनके साथ बैटल मेरा मैं भी था, तो जब अनाउंसमेंट हो रहा था कि कौन निकलने वाला है, मेरे साइड में थे मेरे बेस्ट फ्रेंड जो नोरबू थे, और इधर मेरे जो फेवरेट थे जो पहले से थे, तो मैं पहले ही रो दिया था कि शिट, मतलब मैं दोनों में से कोई एक, मतलब मैं भी जा सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं खुद के लिए बुरा लगेगा, लेकिन मैं दोनों के लिए इमेजिन कर रो रहा था कि माँ के साथ अनिकेत भैया जाएंगे तो भी मैं रोऊंगा क्योंकि मेरे को बहुत ऐसा लगेगा, नोरबू जाएगा तो भी मेरे को, मतलब वो था, लेकिन मेरा जर्नी बहुत ही मुश्किल रहा। आपने यही पूछा, कुछ तो पूछा, अच्छा अच्छा ओके, तो ग्रैंड प्रीमियर से मेरे लग गई थी बहुत ज़्यादा, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगा था ग्रैंड प्रीमियर, ऐसा लगा था मैं क्या ही कर लूँगा, कुछ क्या ही कर लूँगा, और उसके बाद का नेक्स्ट एपिसोड जो लहू मुँह लगा था वो एकदम लास्ट टेक्निकल में भी पता नहीं था क्या करूँगा, शूट के दिन की हुआ, उसके बाद तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, उसके बाद ऐसा हुआ कि नहीं हो जाएगा समर बुलनामा, तो होके मैं इधर हो गया, होते होते मैं इधर हो गया। एक आखिरी सवाल और मैं चाहती बारी बारी करके सब है, क्या बात है, थैंक यू। डांस की अगर बात करें तो पर्सनली डांस को किस लेवल तक आप लेके जाना चाहते हैं, चाहे कंट्री की बात करें या इंडिविजुअली आपका सपना है कि मुझे यहाँ तक लेके जाना है, बारी बारी आपसे आप स्टार्ट करो। मुझसे स्टार्ट करना है, सच बताऊं
तो मैंने सोचा था कि मैंने सोचा नहीं था कि डांस को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंट्री के थ्रू। इससे पहले मैंने सोचा था कि अगर भगवान मेरे को जन्म मिले तो मेरे को क्रिकेटर का मिले, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कि कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं मूवीज़ देखता हूँ या मैच देखता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। पर अब मेरे को पता चला कि किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिया को, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कर सकूँ इंडिया को करना। सब लोग भाई अच्छे लोग रहना चाहते हैं मेरे कंट्री, बट आप खुद को एज अ डांसर किस लेवल तक लेके जाना चाहते हो, दैट दैट इज माय क्वेश्चन अलोंग। हां, खुद को मैं जब भी पहले शो पे आया था तो खुद को ही एक्सप्लोर करने आया था कि मैं क्या सीख सकता हूँ। मैं देखने आया था कि क्या 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 होता है। तो अभी भी जर्नी में सारे मैं तो सीख ही रहा हूँ। अभी ऐसा हो गया है कि हाँ मैं सीख गया हूँ, लेकिन अभी और सीखना बाकी है। जो एक्चुअल शो के बाद जो सीखना चाहिए मेरे को, जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सीखना है, पहले तो मैं इनका वर्कशॉप लूँगा बिपुल भाई का, जो लेना बाकी है। तो ऑब्वियसली वो मेरा पहले से थॉट है, कभी कभार मजाक लगता होगा इनको, लेकिन हाँ मेरे को कुछ सीखना है। आई थिंक हम लोग की जर्नी देख के, हम लोग की डांसिंग देख के शो पे, जो नए डांसर्स या फिर जिन लोगों ने डांस करने का सोचा, वो लोग अगर डांस सीखना वापस शुरू कर रहे हैं, या फिर जो कई बार वो जो स्पार्क रहता है जो डांसिंग डांस में कुछ करना है वाली चाहत, अगर हम लोग के डांस के थ्रू लोगों में अगर जाग रही है तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी जीत है। और जैसे मुझे कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं जब से मैं शो में आया हूँ कि लोग मतलब क्लासिकल डांस ज़्यादा सीखना चाह रहे हैं अब, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की। तो मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ को लेकर इंस्पायर कर पाया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्लस टेरेंस सर ने मुझे ऑफ़र किया है कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर सकूँ यूके जाके बहुत बड़े एक कॉम्पिटिशन में। तो मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू जैसा है, और मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगा। मैं बहुत थैंकफुल हूँ टेरेंस सर को उसके लिए। क्या था क्वेश्चन? डांस को लेके आप यू नो किस लेवल तक अपने आप को यू नो एज अ डांसर देखते हैं? आई थिंक डांस का मुझे लगता है कुछ कभी ख़त्म नहीं होता, कोई एंड नहीं है, ना कोई स्टार्ट है। कब स्टार्ट हो जाता है आपको पता नहीं लगेगा, आप कब प्यार करने लग जाते हो उससे, और प्यार करते करते आपका आप ढूंढोगे कि आप हाँ जैसे प्यार की कोई लिमिट नहीं है, वैसे आप डांस कहीं आप सोचोगे कि मैं इतना सीख लूँ या इतना कर लूँ, कभी ख़त्म ही नहीं होएगा लाइफ में। और ऐसे ही मैंने सोचा है कि मैं जितना बड़ा हो जाऊँ जितना बूढ़ा हो जाऊँ मैं नाचता रहूँगा और सीखता रहूँगा। मेरा बचपन से एक ही चीज़ रहा है कि मैं चाहे इसके पास खड़ा हूँ चाहे इसके पास खड़ा हूँ, चाहे बच्चे के पास खड़ा हूँ चाहे बूढ़ा, मैं हमेशा कुछ ना कुछ उससे सीखता हूँ। और अभी भी मैं लाइफ में एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। मैं जो यहाँ पे स्टाइल लेके आया वो भी एक्सप्लोर करके मैंने सीखा, या जैसे भी वो मैं करता हूँ वो एक्सप्लोर करके किया। उससे पहले एक साल पहले मुझे देखोगे तो मैं अलग आपको दिखूँगा। आज इस साल जो आपने मेरे को IBD में देखा, और अब शायद आगे आने वाले साल में जो आप मेरे को देखोगे तो मैं बहुत डिफरेंट होऊंगा I'm sure, क्योंकि मैं हमेशा बदलता रहता हूँ, मैं सीखता रहता हूँ, नई चीज़ें एक्सप्लोर करता रहता हूँ। तो ऐसे ही मैं सीखता रहूँगा, और इंशाल्लाह अगर आगे जाके क्या बोलते हैं कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, या किसी भी चीज़ को आसपास को रिप्रेजेंट करने का या प्राउड फील कराने के लिए कोई भी मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँ। तो जब मैंने डांस स्टार्ट करा तो मत रुको भूल जाती हूँ फिर पता मैं क्या बोल रही हूँ। अंजलि को और अमेरिका ने नहीं नहीं अब वो मत बोलिए। मैं बोल रही थी जब मैंने डांस स्टार्ट करा तो मेरा डांस स्टार्ट जब से मैंने करा तब से मेरे मन में ये था कि मुझे ना वर्ल्ड का गर्ल बेस्ट डांसर बनना है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ये ट्राई करा कि जितने भी लोग डांस करते हैं पहले तो उन सबसे अलग दिखना है, मेरे को सारे स्टाइल सीखने हैं, यूनिक बनना है। और जिसके लिए मैंने मतलब बहुत प्रैक्टिस करी, मैं डेली नाइट प्रैक्टिस करती थी, मतलब 7 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक करती थी। और भगवान की दुआ से मेरे लिए बहुत रास्ते खुले थे, मतलब मेरे को स्टूडियो की ज़रूरत पड़ती थी तो कहीं ना कहीं से मेरे लिए आ जाती थी चीज़ें सामने कि हाँ तू प्रैक्टिस कर तू मेहनत कर, मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा था। तो और फिर इस शो में भी मैंने जो मेरा स्टाइल है मैंने वो नहीं करा, और फिर पर मैंने उनको ये प्रूफ करा कि मैं और भी स्टाइल कर सकती हूँ। तो मतलब वर्ल्ड बेस्ट डांसर बनने के लिए पहले मेरे को इंडिया बेस्ट डांसर बनना पड़ेगा। तो मैं इस शो में आई और ये मेरा पहला कदम है। तो है? मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को मतलब मैं शो के बाद भी मैं बहुत कड़ी मेहनत करूं कि मैं बहुत अलग दिखूं और अपने इंडिया पे अपने मतलब वर्ल्ड गर्ल बेस्ट डांसर की बात हो तो इंडिया में मतलब इंडिया की लड़की का नाम आए, मतलब मेरा नाम आए। इतनी मैं मेहनत करना चाहती हूं, मैं जानती हूं कि ये इजी नहीं रहेगा, बहुत मुश्किल रहेगा, बट मैं पूरी रेडी हूं। कांग्रेचुलेशंस, एक इंडियाज बेस्ट डांसर का आपका कोई जो स्टेप आई बिलीव है कि वो इंडियाज बेस्ट डांसर। थैंक यू।
शाम को 8 बजे सोनी टीवी पे, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे हमारा शो आएगा, और सोनी लिपि में ग्रैंड फिनाले है, लास्ट एपिसोड है इस सीजन का। प्लीज, हम सब बहुत सुंदर सुंदर परफॉर्मेंसेस करने वाले हैं, बहुत ही क्रेजी चीजें आपके लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ है, लास्ट है तो बहुत सारे लोग भी आने वाले हैं, तो मिस मत करना और हम सबके लिए वोट करो अभी। जो भी आप देख रहे हो सोनी लिपि ऐप डाउनलोड करो जाके, आपके पास 500 वोट हैं, प्लीज सबको वोट करो please. और दिल खोल के प्यार दो गाइस, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, हम सब ने बहुत महीने लगा दिए हैं, तो आपको सिर्फ 5 मिनट देने, दे दो यार। और अगर आपका फेवरेट, अगर आपका फेवरेट विनर बनेगा तो आपको भी बहुत खुशी होगी, तो प्लीज वोट करिए अपने फेवरेट के लिए, मुझे भी होगी, कोई भी बनेगा तो। थैंक यू, थैंक यू, लव यू, बाय।